हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर मैंने आपको कलेक्शन हायरार्की के बारे में समझाया था कि अरे लिस्ट हमारे पास क्लास है, लिंक लिस्ट हमारे पास क्लास है, बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है। काफी कुछ इंट्रोडक्शन लेवल पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा था, और ये भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम कलेक्शन में डेटा ऐड करेंगे, राइट। लेकिन अब आप यहां पर देखिए कि कलेक्शन में वंस यू कैन ऐड द डेटा, यदि आप अरे से थोड़ा सा वाकिफ हैं तो आप सोचिए क्या अपने अरे का कोई भी प्रोग्राम बिना लूप के पड़ा है किसी भी लैंग्वेज में, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है। क्योंकि अरे पे अगर आपको वर्क करना है तो कंपलसरी वी हैव टू अप्लाई लूप, अदरवाइज कॉम्प्लेक्सिटी हाइट लेवल पे पहुंच जाएगी। अगर हम अरे से डेटा रीड करने की बात करते हैं, हमें लूप अप्लाई करना होता है। अरे में सर्चिंग करना है, वी नीड टू अप्लाई लूप। तो वैसे ही यहां पर अब आप समझिए कि यदि आपके पास कोई भी कलेक्शन की क्लास है, लाइक अरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, हैश सेट है, लिंक्ड हैश सेट है, ट्री सेट है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का डेटा कलेक्शन चाहते हैं। जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, डुप्लीकेसी चाहिए नहीं चाहिए, सॉर्टेड एलिमेंट चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन यदि आपको कलेक्शन के डेटा एलिमेंट पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहां भी आपको लूप लगाने पड़ेंगे। तो जब हम कलेक्शन पे लूप अप्लाई करने की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम कलेक्शन पे इटरेटर को अप्लाई करें और या फिर कलेक्शन पे हम फॉरिच लूप को अप्लाई करें। तो ये फॉरिच लूप और इटरेटर दोनों का मतलब क्या है, देखिए आप, दो तरीके से हम यहां पे कलेक्शन पे लूप अप्लाई करने की बात करते हैं। वन इज फॉरिच लूप, ठीक है, वन इज कॉल्ड फॉर, चलो नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं, राइट। तो एक ऑप्शन है हमारे पास फॉरिच, ठीक है, एंड सेकंड ऑप्शन है हमारे पास इटरेटर। तो दो तरीके से कलेक्शन पे हम लूप अप्लाई करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है यहां पर आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखिए, फॉरिच लूप को यूज करके ना केवल कलेक्शन, हम अरे पे भी लूप अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉरिच लूप जावा में नया है, इसके पहले जितनी भी लैंग्वेजेस आपने पढ़ी है वहां पर आपने व्हाइल लूप पढ़ा, डू व्हाइल लूप पढ़ा, फॉर लूप पढ़ा, वो हमने जावा में भी यूज किया है। ये जावा ऑल्सो सपोर्ट व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, बट स्पेसिफिकली फॉर कलेक्शन जावा ने मुझे एक लूप दिया है फॉरिच लूप, राइट। ये कलेक्शन के साथ ही एक्चुअली आया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कलेक्शन पे फॉरिच लूप को ही यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, देखिए आप, कि फॉरिच लूप को हम कलेक्शन पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज करिए, अगर आपके पास कोई अरे लिस्ट है, ठीक है, कि मान लीजिए आपने एक अरे लिस्ट बनाई है। कैसे बनाई है ये सब हमने लास्ट टाइम समझ लिया था, ठीक है। तो अरे लिस्ट इंटीजर ए इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट है ना, और इसके लिए आपको जिस पैकेज को इंपोर्ट करना है वो भी मैंने आपको बताया था कि अरे लिस्ट के लिए द पैकेज विच वी नीड टू इंपोर्ट इज, या वॉट एवर द कलेक्शन क्लास, हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, है ना, क्योंकि ऑल द कलेक्शन क्लासेस बिलोंग्स टू दिस यूटिल पैकेज। तो आपको यूटिल को इंपोर्ट करना है, क्लास लिखना है, मेन लिखना है, वो तो खैर फॉर्मेलिटी है, करना ही है हमें, हर प्रोग्राम में मेन लिखना होता है, विदाउट मेन वी कैन नॉट राइट द कंसोल एप्लीकेशन इन जावा, राइट। अब इस कलेक्शन में सपोज अगर मैंने डेटा एलिमेंट ऐड कर दिया, लाइक ए डॉट ऐड 5, देन ए डॉट ऐड 25, देन ए डॉट ऐड 30, वॉट एवर द डेटा जो भी आपको चाहिए अपने कलेक्शन में ऐड कर दिया, ठीक है, देन ए डॉट ऐड 10, ठीक है, ये आपने कलेक्शन में कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर दिया है। अब आप ये चाहते हैं कि इस कलेक्शन पे, या तो एक तरीका ये देखिए आप, कि आप इसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दीजिए सो देट यू विल गेट ऑल दिस एलिमेंट। लेकिन आप चाहते हैं कि सर मुझे इस कलेक्शन पे एलिमेंट को प्रिंट करना है लेकिन लूप लगा के, तो सबसे पहला लूप जो हम देखेंगे वो है फॉरिच लूप, राइट। तो देखिए फॉरिच लूप का सिंटेक्स क्या है, पहले आप ये समझिए। चलिए मैं काम करता हूं, ये कोड आपके सामने रखता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम फॉरिच लूप जब अप्लाई करेंगे तो कौन सा डेटा एलिमेंट प्रिंट होगा, राइट। तो सपोज आपके कलेक्शन में डेटा एलिमेंट है, अब यदि आप चाहते हैं कि इसमें मुझे लूप लगाना है तो फॉर ईच लूप को हम कैसे यूज करते हैं। फॉर टाइप ऑफ द कलेक्शन जो आपका है इंटीजर, तो यहां पर हमने क्या लिखा, फॉर इंटीजर I colon कलेक्शन का नाम A, फॉर इंटीजर I colon A, एंड देन हियर वी नीड टू राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट I, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन I। तो ये फॉर ईच का मतलब आप समझना, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ दिस कलेक्शन दिस लूप इज एग्जीक्यूट टिल एंड, कि हर एलिमेंट के लिए लूप एग्जीक्यूशन करेगा। तो आप देखिए, जनरली हम जब लूप पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, हमें कंडीशन देना होती है, हमें इंक्रीमेंट करना होता है, लेकिन यहां पर ना आपने कोई इनिशियलाइजेशन किया है, ना मैंने कोई कंडीशन है और ना कोई इंक्रीमेंट है। फॉर इच लूप सिंपली ये बोलता है कि कलेक्शन के हर एलिमेंट के लिए ये लूप एंड तक एग्जीक्यूशन करेगा। तो आप देखिए क्या होगा, फर्स्ट टाइम ए से पहला एलिमेंट आई में आया, क्या आया 5,
तो आपको पहला आउटपुट क्या मिलेगा 5, देन सेकंड एलिमेंट 25, देन थर्ड एलिमेंट 15, देन फोर्थ एलिमेंट 10, तो वन बाय वन सारे एलिमेंट आपको यहां पे इस तरीके से मिल जाएंगे। तो दिस इज अ सिंपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉर इच लूप इन कलेक्शन। अब इसको लेके आप देखिए मल्टीपल प्रोग्राम बना सकते हैं, देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन सर्चिंग सॉर्टिंग एंड एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो आप कलेक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। आप जब हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स को देखेंगे ना, जो मैंने टेक विद्वान की साइट पे आपके लिए बनाया है प्रीमियम कोर्स, वहां पर आप देखिए ऑलमोस्ट 5 to 10 एग्जाम्पल केवल फॉर इच लूप को लेके मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि फॉर इच लूप को लेके किस तरीके की प्रोग्रामिंग आप बना सकते हैं, किस तरीके के कोड आप कलेक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिएगा उस प्रीमियम कोर्स को किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर इच लूप को लेके पूछे गए हैं। तो यहां पर अभी हम जो बात कर रहे हैं दैट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर इच लूप, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन आपको समझ में आएगा जब आप उस प्लेसमेंट रेडी कोर्स को देखेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आ रहा है, राइट? अब देखिए आप, यदि मैंने बोला कि सर मुझे केवल प्रिंट नहीं करना है, मुझे कलेक्शन के एलिमेंट का सम भी निकालना है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर वेरिएबल ले लीजिए सम के नाम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 0 रखी, और यहां पर आपने लिख दिया सम प्लस इक्वल टू आई, सो दैट आपके एलिमेंट प्रिंट भी होते जाएंगे और वो सम में ऐड भी होते जाएंगे। एट द एंड यहां पर हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इज और प्लस आई, दैट्स इट। तो ये है फॉर इच लूप का कॉन्सेप्ट जो कि हमने कलेक्शन पे अप्लाई किया हुआ है। आई होप अब इसके लिए कलेक्शन का अरे लिस्ट होना जरूरी नहीं है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये कलेक्शन लिंक्ड लिस्ट भी हो सकता है, ये ट्री सेट भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ कलेक्शन, लेकिन किसी भी कलेक्शन पे अगर लूप अप्लाई करना है तो पहला तरीका है फॉर इच लूप। लेकिन इसके अलावा मेरे पास दो ऑप्शन और भी हैं, एक इटरेटर और दूसरा लिस्ट इटरेटर। तो इटरेटर को कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए इटरेटर इज एक्चुअली अ क्लास इन जावा जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। इस इटरेटर में आपको मेथड मिलेंगे, देयर आर टू मेथड, नेक्स्ट एंड सेकंड इज हैज नेक्स्ट, ठीक है। तो एक है हमारे पास इटरेटर और दूसरा हमारे पास लिस्ट इटरेटर। इटरेटर की लिमिटेशन ये है कि इटरेटर को यूज करके एक्चुअली हम केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में कलेक्शन में मूव कर सकते हैं, रिवर्स नहीं आ सकते। अगर आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों चलना है तो इसी एक्चुअली लिस्ट इटरेटर को अगर आप समझे तो लिस्ट इटरेटर इनहेरिटेड है इटरेटर से, मतलब इससे इनहेरिट करके जावा ने मुझे एक नया क्लास दिया, दैट इज अ लिस्ट इटरेटर। तो लिस्ट इटरेटर क्या है, इट इज एक्सटेंडेड बाय इटरेटर। तो अगर ये एक्सटेंडेड है इसका मतलब है नेक्स्ट हैज नेक्स्ट मेथड तो यहां पर भी होंगे, लेकिन इसके अलावा आपको इसमें दो मेथड और मिलेंगी, प्रीवियस और हैज प्रीवियस। तो जब आपको लगता है कि आपको इटरेटर को कलेक्शन में केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है तो गो फॉर इटरेटर, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में चलना है तो विल गो फॉर लिस्ट इटरेटर। और आप देखिए उस प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मैंने कितने एग्जांपल इटरेटर और लिस्ट इटरेटर को लेके समझाए हैं, जो कि कलेक्शन से हमने कलेक्शन पे हमने अप्लाई करे हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एक्चुअली। तो अभी फिलहाल इटरेटर को कैसे यूज करना है, तो आप देखिए मान लीजिए अगर आपका वही कलेक्शन है, ठीक है, ये मेरा अरे लिस्ट में मान के चल रहा हूं कि ए नाम के जो हमारी कलेक्शन है, इस कलेक्शन में आपके पास ये डेटा एलिमेंट है, मान लीजिए यू हैव एन एलिमेंट लाइक 10, 25, 30, 50, 60, ये कलेक्शन के एलिमेंट इस इंडेक्स पे एडेड है। अब इस पर अगर आपको इटरेटर चलाना है तो आपने कलेक्शन तो बना लिया अरे लिस्ट, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, इटरेटर आई। और आप देखिए इटरेटर को कलेक्शन पे अप्लाई कैसे करेंगे, तो जो भी कलेक्शन क्लास आप यूज करेंगे, लाइक मैंने अरे लिस्ट को अगर यूज किया है, अरे मैंने अभी बताया ना अरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है, ए इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट अभी हमने बनाई इंटीजर, ठीक है, और यहां पर आपने क्या किया, इसमें डेटा एलिमेंट ऐड कर दिए ए डॉट ऐड 5, अरे अभी जो प्रीवियस बनाया है वही एग्जांपल है, राइट? अब इस कलेक्शन पे अगर आपको इटरेटर अप्लाई करना है तो इटरेटर को कलेक्शन पे हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, देखिए अब मैं क्या लिखूंगा यहां पर, इटरेटर इटरेटर आई इक्वल टू, डोंट डिफाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इटरेटर, इस इटरेटर का ऑब्जेक्ट आप डिफाइन नहीं करेंगे, दिस कलेक्शन इज हैविंग अ मेथड कॉल इटरेटर मेथड जिसका रिटर्न टाइप इटरेटर का ऑब्जेक्ट है। तो ये इंप्लीमेंटेशन इसका कैसे होगा इस कलेक्शन पे, तो यहां पर ये जो कलेक्शन ऑब्जेक्ट है ए, इससे मैं एक मेथड कॉल करूंगा इटरेटर मेथड। तो समझिए इटरेटर एक्चुअली मेथड भी और इटरेटर क्लास भी है। तो इटरेटर मेथड जो अरे लिस्ट में है जिसका रिटर्न टाइप इटरेटर का ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका आई अप्लाई हो गया कहां पे, इटरेटर पे, और ये आई अभी कौन सी पोजीशन पे सेट हुआ है, -1, मतलब जब भी इटरेटर को आप डिफॉल्ट सेट करेंगे तो ये आपके कलेक्शन पे सेट होगा -1 पोजीशन पे।
अब आपको इटरेटर को क्या बोल रहा है, आगे बढ़ते रहो, एलिमेंट देते रहो। तो यहां पर इस इटरेटर को लेके हम एक लूप अप्लाई करेंगे, व्हाइल आई डॉट हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप होता है बूलियन। तो आई डॉट हैज नेक्स्ट का मतलब क्या है, आपका आई जिस पोजिशन पे है वहां से एक स्टेप ऊपर जाएगा, मतलब जाएगा नहीं, देखेगा कि हैज नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है। तो आई ने यहां से नेक्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को देखा, उसने कहा यस देयर इज एन एलिमेंट अवेलेबल। अगर उसको एलिमेंट मिला तो अब मैंने आई को क्या बोलना है, भाई साहब फिर आप एक काम करो, उस पोजीशन पे जाओ और उस एलिमेंट को रिटर्न करो। तो आई को उस पोजीशन पे कैसे शिफ्ट करेंगे, तो देयर इज अ मेथड कॉल आई डॉट नेक्स्ट, आई डॉट नेक्स्ट। तो यहां पर आपने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई डॉट नेक्स्ट। सो नाउ दिस नेक्स्ट मेथड विल मूव फ्रॉम माइनस वन टू जीरो पोजिशन एंड रिटर्न दिस एलिमेंट 10। तो ये 10 मुझे यहां पर प्रिंट होके मिलेगा, फिर लूप ऊपर जाएगा, फिर देखेगा आई डॉट हैज नेक्स्ट। आई ने जीरो पोजिशन से देखा वन पर एलिमेंट है या नहीं, अभी गया नहीं है, उसने वन पोजिशन के एलिमेंट का होना या ना होना कंफर्म किया है। तो उसने बोला यस देयर इज एन एलिमेंट ट्रू, ट्रू पर फिर आपने बोला आई डॉट नेक्स्ट। तो फिर आई इस पोजिशन से नेक्स्ट पोजिशन पर जाएगा और आपको एलिमेंट रिटर्न करके देगा 25। ऐसे तब तक चलता रहेगा जब तक उसको एलिमेंट मिलेगा। अब जब आई यहां पर है तो यहां पर इसने चेक किया हैज नेक्स्ट, नो देयर इज नो एलिमेंट, लूप खत्म, क्योंकि हैज नेक्स्ट का रिटर्न वैल्यू फॉल्स है। तो हैज नेक्स्ट को जब तक एलिमेंट मिलते रहेंगे ये ट्रू रिटर्न करेगा, और जैसे ही एलिमेंट मिलना बंद होंगे इट रिटर्न्स फॉल्स। लेकिन इससे आपने एक चीज नोटिस की, मैं इटरेटर को यूज करके केवल इस कलेक्शन पे फॉरवर्ड चल रहा हूं, अब मुझे रिवर्स भी आना है, कि मैं चाहता हूं कि इसी कलेक्शन पे मुझे रिवर्स लूप अप्लाई करना है। तो फिर इटरेटर की बजाय हम क्या यूज करेंगे, लिस्ट इटरेटर। तो लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट आप कैसे डिफाइन करोगे, तो ये तो हुआ इटरेटर का कॉन्सेप्ट, राइट। इसकी बजाय अगर आपको लिस्ट इटरेटर को यूज करना है तो आप देखिए क्या करेंगे, हम यहां पे हम उसी कलेक्शन पे इटरेटर की बजाय मैं लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूं। तो आपने क्या लिखा, लिस्ट इटरेटर मान लीजिए एल आई इक्वल टू अगेन द सेम ए डॉट लिस्ट इटरेटर। देयर इज अ मेथड इन दिस कलेक्शन, कलेक्शन की हर क्लास के पास एक मेथड आपको मिलेगी लिस्ट इटरेटर के नाम से, जिसका रिटर्न टाइप लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर आपको बतानी पड़ेगी पोजीशन, कि लिस्ट इटरेटर को आपको कौन सी पोजीशन पर रखना है। मैंने बोला टू, तो इसका मतलब है आपका लिस्ट इटरेटर जो है वो इस पोजीशन पर सेट होगा, एल आई जो है वो सेट होगा इस पोजीशन पर। इटरेटर को आपको पोजीशन नहीं बतानी है, क्योंकि इटरेटर डिफॉल्ट सेट होता है माइनस वन पोजीशन पे और आगे बढ़ता है। लेकिन इटरेटर और लिस्ट इटरेटर में क्या डिफरेंस है, यदि मान लीजिए इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लिया, इटरेटर इज ओनली यूज्ड फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाइल लिस्ट इटरेटर इज यूज्ड फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। ऐसे एम्पल्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के मिलेंगे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में, जो कि टेक विद्वान पे आपके लिए है, राइट। तो एक बार उस कोर्स को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के प्लेसमेंट क्वेश्चंस इटरेटर को लेके, लिस्ट इटरेटर को लेके, फॉर ईच लूप को लेके इंटरव्यू में पूछे गए हैं, राइट। और ये मैं बात कर रहा हूँ टॉप एमएनसीज के, लाइक गूगल, लाइक इन्फोसिस, TCS, Accenture, Wipro, इस तरीके की कंपनीज में किस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक को लेके पूछे गए, क्योंकि वहां पर मैंने टॉपिक वाइज इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर किए हुए हैं। आप एक बार जब देखेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, अब आपका लिस्ट इटरेटर जो है वो टू पोजीशन पे, अब आपको रिवर्स आना है। तो यहां पर अब आप क्या लिखोगे, व्हाइल एलआई डॉट हैज प्रीवियस रादर देन नेक्स्ट। हमने कौन सी मेथड यूज की, हैज प्रीवियस। नेक्स्ट तो आप जा ही सकते हैं, हैज प्रीवियस का मतलब है अब ये यहां पे बैठ के इस पोजीशन, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जिस पोजीशन पे आपका लिस्ट इटरेटर है आपको उस वो एलिमेंट नहीं मिलेगा, उसके पहले वाला एलिमेंट मिलेगा। अगर आपको वन से शुरू करना है तो लिस्ट इटरेटर को टू पे रखो, टू से करना है तो थ्री पे रखो, राइट। अगर इसको एलिमेंट मिला तो आपने क्या बोला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एल आई डॉट प्रीवियस। इससे क्या होगा, इससे आपका जो लिस्ट इटरेटर है वो इस पोजीशन को छोड़ के इस पोजीशन पे आएगा और आपको रिटर्न करेगा 25। तो यू विल गेट एन एलिमेंट 25, देन द नेक्स्ट एलिमेंट यू विल गेट, जो नेक्स्ट एलिमेंट आपको मिलेगा, ठीक है, ये मिला आपको 25, इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आपको मिलेगा वो मिलेगा 10। सो दिस इज हाउ द इटरेटर मूव्स इन द प्रीवियस डायरेक्शन। तो आपको अगर इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन पर मूव करना है तो फिर अब यहां पर लिस्ट इटरेटर में माइनस वन सेट कर दीजिए, तो माइनस वन से आगे चलेगा, टू से आगे बढ़ाना है तो यहां पर आप टू सेट करिए और टू से फिर प्रीवियस की बजाय नेक्स्ट मेथड को यूज करिए। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई इटरेटर इन कलेक्शन। अब इसको लेके देखिए आप कितने एग्जांपल्स क्वेश्चन आप बना सकते हैं, सर्चिंग,
कि सर्चिंग किस तरीके से होगी, नेस्टेड लूप आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको लगता है कि आपको कलेक्शन पे लूप अप्लाई करना है, तो लूप अप्लाई करने के बच्चे दो ऑप्शन है, या तो आप फॉरिच लूप को यूज करें या फिर आप इटरेटर को यूज करें। जैसे आप देखिए ना, अगर मान लीजिए अब आपके पास कलेक्शन है, अब मैंने बोला यार इस कलेक्शन पे, चलिए अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो ये कलेक्शन पे मैंने फॉरिच लूप लगाया, ठीक है। अभी आपके पास एलिमेंट है कलेक्शन में, ये कलेक्शन है आपका, इसमें एलिमेंट है 5, 10 या 25, देन नेक्स्ट इज 15, देन नेक्स्ट इज 10, देन नेक्स्ट इज 28, ये आपके कलेक्शन में एलिमेंट है, राइट। अब मैंने बोला चलो सम नहीं निकालना है, सर्चिंग करना है, तो क्या करोगे आप? सर्चिंग करने के लिए आप बजाय ये कोड लिखने के, अरे सर्चिंग का लॉजिक तो वही है ना, केवल आपको ये देखना है कि आपको जिस एलिमेंट को सर्च करना है वो कलेक्शन में है या नहीं। तो मान लीजिए एस में कोई एलिमेंट है 5, अब मुझे ये सर्च करना है 5 है या नहीं है, तो मैं सिंपली यहां क्या लिखूंगा, इफ आई डॉट इक्वल्स एस, कि अगर आई की वैल्यू एस के बराबर है, ठीक है, कि इफ आई डॉट इक्वल्स एस, ओके। और इसको भी आप इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये जिस एलिमेंट को सर्च करना है वो भी आपके पास ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। अगर ये इक्वल है तो आपने यहां पर क्या कर दिया, आपने यहां पर एक फ्लैग वेरिएबल ले लिया एफ, जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 करके लूप को ब्रेक कर दिया। तो ये भी ध्यान रखिए कि ब्रेक स्टेटमेंट केवल व्हाइल लूप फॉर लूप से ब्रेक नहीं करेगा, वो फॉरिच लूप से भी आपको ब्रेक करेगा, राइट। ये देखिए आप, अब ये लूप चलेगा, अब इसके बाद आपको क्या चेक करना है, अगर एफ की वैल्यू 1 है तो सर्चिंग सक्सेस, मतलब लॉजिक तो वही है ना, सर्चिंग सक्सेस, एल्स नॉट सक्सेस, दैट्स इट। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि फॉरिच लूप का मतलब ये नहीं है कि कोई लॉजिक बदलेंगे, लॉजिक सारे वही रहेंगे। नेस्टेड लूप लगाना है, आप नेस्टेड लूप फॉरिच लूप अप्लाई कर सकते हैं, इटरेटर को लेके आप नेस्टेड लूप लगा सकते हैं। तो लॉजिक बेटा कभी नहीं बदलते, तरीके बदलते हैं। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आपको हर लैंग्वेज में यह सीखना है कि जो काम प्रीवियस लैंग्वेज में इस तरीके से होता था एक्स तरीके से, वो इस लैंग्वेज में कैसे होगा, तो तरीका बदलेगा, लॉजिक थोड़ी ना बदलेगा। सर्चिंग का लॉजिक तो वही है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये लीनियर सर्च का प्रोग्राम है। सेम फॉरिच लूप को लेकर आप बाइनरी सर्च का कोड भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये सारे कोड आपको मिले तो बिल्कुल आइए आप टेक विद्वान पे, प्लेसमेंट एडी कोर्स में आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर वहां पे मिलेंगे जो कि टॉप एमएनसीज में पूछे गए हैं, कि हाउ टू राइट अ सर्चिंग बाइनरी सर्च कोड यूजिंग फॉरिच लूप और यूजिंग इटरेटर। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।